आज मैं आपको लेकर आई हूँ सिटी पैलेस। आज मैं आपको बाहर का जो सिनेरियो है, कैसा है सिटी पैलेस, मैं आपको वो दिखाने वाली हूँ। तो रहिएगा मेरे साथ एंड आज और भी जगह जाएंगे तो वो भी हम शूट करेंगे। सो मे भी और भी चीजें आपके लिए आती। चलिए सिटी पैलेस के अंदर चलते हैं और देखते हैं वहां पे क्या क्या हमें दिखता है। तो सबसे पहले आपको इस तरह का बोर्ड दिख जाएगा सिटी पैलेस का। यहाँ पे टिकट्स के चार्जेस अलग अलग हैं। एडल्ट्स के आपके 200 के अप्रोक्सीमेटली है। सीनियर सिटीजन और स्टूडेंट आईडी के ऊपर अगर आप देखेंगे तो आपको 100 रुपीज चार्जेस मिलेंगे। यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि यहाँ पे आप फोटोग्राफी इस तरह से नहीं कर सकते हैं। अंदर में आपको परमिशन लगती है एंड आप मेल वगैरह करके अपना शूट करने का परमिशन ले सकते हैं। हाँ, बाहर बाहर से आपको जितना शूट करना है आप कर सकते हो। अलग अलग म्यूजियम एंड यहाँ पे आर्ट एंड क्राफ्ट के बहुत सारी चीजें आपको अंदर भी मिल जाएंगी। कैफेटेरिया मिल जाएगा, शॉप मिल जाएगा। ये दीवाने खास है। ये जो बिल्डिंग आप देख सकते हैं ये पिंक स्टोन से बना हुआ है और नीचे आप देखेंगे मार्बल लगा हुआ है। बहुत ही खूबसूरत है। छोटा छोटा ग्लिम्स आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ। इंटायर वीडियो इसका बाद में आएगा फुल डिटेल के साथ। और अगर आप यहाँ पे आ रहे हो घूमने के लिए तो इस तरह के ई ऑटोज आपको मिल जाएंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो इस तरह के, ये बहुत ही ज्यादा कन्वीनियंट होते हैं। 10-10 रुपीज में या आपको हर जगह यहाँ पे घुमा देंगे, विच इज वेरी रीजनेबल और बहुत ही अच्छे प्राइस में आप यहाँ घूम सकते हो। और अगर आपको और भी घूमने का है, जैसे कि आप यहाँ पे 2-व्हीलर को हायर कर सकते हो, देन यू हैव ऊबर जिसमें आप टैक्सी हायर कर सकते हो, 2-व्हीलर ले सकते हो, जो बहुत ही रीजनेबल प्राइस में आपको मिल जाएगा। ऑटोज भी यहाँ पे आप ले सकते हैं, यानी कि यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगा। अगर आपको चीप में जाना है देन यू कैन हायर 2-व्हीलर और एल्स यू कैन यूज दिस काइंड ऑफ ई रिक्शाज। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग गए थे जेम्स पैलेस। यहाँ पे बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल ज्वेलरीज वगैरह हमने यहाँ देखा। अंदर पिक्चर अलाउड नहीं है तो मैंने वीडियो नहीं लिया है। तो अभी हम लोग गए थे द जेम्स पैलेस एंड वहाँ पे मैंने बहुत ब्यूटीफुल जेम्स देखे, यानी ज्वेलरी कलेक्शन देखा। एंड वहाँ की जो ज्वेलरीज है वर्ल्ड फेमस है। बहुत सारे बड़े बड़े लोगों ने वहाँ से ज्वेलरी परचेज की है। दे हैव एन हेरिटेज हिस्ट्री, सो उसकी मैं वीडियोज आपको नहीं दिखा सकती बिकॉज वहाँ पे परमिशन नहीं था। बट नेक्स्ट टाइम जब मुझे वहाँ पे परमिशन मिलेगा तो डेफिनेटली आपके लिए वहाँ से मैं कुछ अच्छे अच्छे क्लिपिंग्स लेकर आऊँगी ज्वेलरीज के, सो दैट आपको आइडिया हो कि वहाँ पे ज्वेलरीज किस टाइप की होती है। उनका जो आर्ट एंड क्राफ्टशिप है बहुत ही ज़्यादा डिफाइंड है एंड उनके कलेक्शंस वंडरफुल है। दो दे आर प्रीमियम एंड दे हैव अ वेरी गुड क्वालिटी, बट उसके साथ उनका नाम एंड उनकी लेगेसी भी बहुत ज़्यादा ही अच्छी लगी मुझे। तो वो एक जगह है जहाँ आपको ज़रूर से विजिट करना चाहिए। अभी मैं आ चुकी हूँ कैफे, इंडियन कैफे हाउस, एंड यहाँ पे मैं कुछ खाने वाली हूँ एंड उसके बाद चलते हैं आगे। जो इंडियन कैफे हाउस का खाना है स्पॉन्सर्ड बाय माय मॉम, सो आई एम हैप्पी। टोटली एक्चुअली सब कुछ स्पॉन्सर्ड बाय मॉम ही है। इंडियन कैफे हाउस में हमने ऑर्डर किया था इडली। आप यहाँ देख सकते हो बहुत ही ज्यादा स्पॉन्जी था, बहुत ही टेस्टी लगा मुझे यहाँ का इडली। उसके साथ हमको मिला मेदू वड़ा। मेदू वड़ा मेरा फेवरेट है एंड आप यहाँ देख सकते हो क्रिस्पी एंड क्रंची भी था, अंदर से सॉफ्ट था तो मुझे खा के मजा आया। सांबर और चटनी की अगर बात करूँ तो नॉर्मल था, जस्ट लाइक ओके काइंड ऑफ, मुझे उतना खास नहीं लगा। बट येस, इडली और आपका वड़ा खा के मुझे मजा आया। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ हमने कोल्ड कॉफी भी पिया था। कोल्ड कॉफी वॉज ऑल्सो ओके टाइप, उतना खास नहीं था। बट यस, सिर्फ इडली डोसा खाने के लिए या इडली वड़ा खाने के लिए वी एंजॉयड इट। तो चलिए इंडियन कैफे हाउस से खाना पीना करके मैं पहुंच चुकी हूँ जौहरी बाजार और यहाँ पे मार्केट है जहाँ पे ज्वेलरीज वगैरह मिलते हैं। तो लेट्स एक्सप्लोर यहाँ पे हमें और क्या क्या चीज देखने को मिलेगा। जौहरी बाजार में मुझे बहुत सारी चीजें दिखाई दी अपार्ट फ्रॉम ज्वेलरीज ऑल्सो। यहाँ पे बहुत सारी चीज है एक्सप्लोर करने के लिए। 100 रुपीज का है, 70 का है, ये 70 का, 60 रुपए का है, दिखाएं, ये 60 रुपए का है। अच्छा, और कुछ नेकलेस वगैरह भी है? ये नेकलेस है, ये कितने का पड़ेगा? ये 200, ये 200। अच्छा, ये क्या है? ये नेकलेस है चौकोर वाला। क्या प्राइस पड़ेगा इसका? ये 200 रुपए का है। 200 रुपए का,
जौहरी बाजार हो, बापू बाजार हो या चांद पोल हो, आप कहीं पे भी जाओ तो यहाँ पे आपको बार्गेन करना ही पड़ेगा क्योंकि ये एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है, तो यहाँ पे प्राइजेस ये लोग बढ़ा के बोलते हैं, पर यहाँ पे हर चीज की प्राइस बहुत ही कम है। यहाँ पे आप देखो पर्स वगैरह की जो प्राइजेस है वो बहुत ही मिनिमम है। एंड यहाँ पे आप देखिए ये जो ज्वेलरीज है ये 100 रुपीज की है, अगर आप बार्गेन करोगे तो 80-70 रुपीज तक में भी आपको ये सारी मालाएं मिल जाएंगी। पर्स वगैरह की अगर बात करूँ तो पर्स वगैरह भी आप 100-150 या मैक्स टू मैक्स 200 के अंदर अंदर अच्छी क्वालिटी की पर्स वगैरह मिल जाएगा। होम डेकोरेशन के लिए आपको अलग अलग चीजें मिल जाएंगी, आप यहां देख सकते हो की रिंग्स वगैरह है, कुछ इस तरह की डायरीज है जो डेकोरेटिव वे में है, फिर घर को सजाने के स्टैचूज वगैरह भी है जो 50-50 रुपए में आपको सेट मिल जाएगा, इस तरह के मूर्ति वगैरह भी आपको मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको हर चीज का प्राइस पता होना चाहिए कि आप यहाँ पे बार्गेन कर पाओ। उसके बाद इस तरह के छोटी छोटी मिरर्स, डेकोरेटिव वाले पेन्स, उसके बाद आपको डब्बियां भी आपको मिल जाएंगी जो बहुत ही सुंदर सुंदर है, गिफ्टिंग में आपको बहुत हेल्प होगा। तो इस तरह की डिब्बियां अगर आप पूछोगे तो ये लोग 100 बोलेंगे, आप 50 रुपए में बार्गेन करके ले सकते हो, अगर आप उससे भी कम करा सकते हो तो वो भी आप कम कर सकते हो। यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह के गिफ्ट आइटम के लिए इस तरह की डब्बियां आपको मिल जाएंगी जो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही है। वहां पे अगर आप देखोगे तो एलिफेंट के कुछ 5 सेट है, वो भी आपको कुछ 50-50 रुपए में आपको मिल जाएंगे। तो यस, होम डेकोरेशन के लिए यहाँ पे बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, ज्वेलरीज वगैरह भी आपको बहुत सारा मिलेगा, इस तरह के पुतले वगैरह भी आपको मिल जाएंगे जो बहुत ही ज्यादा चीप प्राइस में आपको अवेलेबल होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, एंड चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स आप तक पहुंचते रहे। इसी प्रकार की वीडियोस मैं बनाती रहती हूं तो मेरा साथ जरूर दीजिएगा। मिलती हूं आपसे अगले वीडियो में कुछ नए चीजों के साथ, तब तक नमस्कार, टेक केयर एंड जय हिंद।